दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं अनलॉक मोबाइल टूल के बारे में। और इस टूल के बारे में काफी चर्चा है मार्केट में आजकल। जो है एमआई का, जो मोबाइल का जो है एमआई अकाउंट या गूगल अकाउंट जो है इसी टूल से किया जा रहा है। और कई लोगों का कमेंट आया था कि मुझे इस टूल के बारे में बताइए कि इसका क्या फ्यूचर है और कैसे ये एक्टिवेट होता है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इस टूल को कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसे इसे इंस्टॉल करना है और क्या इसका फीचर है और कैसे इसे आपको रजिस्टर करना है, ठीक है, और इससे कैसे आपको परचेज करना है। इन सब के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक देखें। पहली बात मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो टूल है, इस टूल में विदाउट क्रेडिट यानी कोई क्रेडिट आपको नहीं लेना होगा, बिना क्रेडिट का जो आप इसे अनलॉक कर सकते हैं। और ये टूल जो है 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर एक्टिवेट होता है, ठीक है। अगर आपको रजिस्टर करवाना है इसे, एक्टिवेट करवाना है, ठीक है, खरीदना है इसे, तो 3 मंथ के लिए आप खरीद सकते हैं, 6 मंथ के लिए आप खरीद सकते हैं और 1 साल के लिए आप खरीद सकते हैं, ठीक है। 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर आप जो है इसे परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं xmannan24.com पे, वहां से आप इसे खरीद सकते हैं, ठीक है। तो पहले कैसे आपको इसे रजिस्टर करना है उसके बारे में आपको बता दूं। अब यहाँ से रजिस्टर पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे सिंपल सा आपको एक यूजर नेम डालना है, ठीक है। आप अपना मनपसंद चॉइस यूजर नेम आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, पर्सनल ईमेल आईडी जो होगा आप पर्सनल ईमेल आईडी आप डालेंगे यहाँ पे। पर्सनल ईमेल आईडी डालने के बाद जो है आपको 8 डिजिट का पासवर्ड क्रिएट करना होगा यहाँ पे। तो पासवर्ड किस तरह से आपको बनाना है, टोटल 8 डिजिट का पासवर्ड आपको बनाना है, ठीक है, कुल मिलाकर के। तो आप अपना नाम और कुछ नंबर मिलाकर के पासवर्ड डाल सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। जो आईडी पासवर्ड आप यहां पे क्रिएट करेंगे, जनरेट करेंगे, ठीक है, उसी आईडी पासवर्ड से आप जो है टूल में लॉग इन करेंगे। टूल जब आप ओपन करेंगे तो उसमें आपको लॉग इन आईडी पासवर्ड पूछेगा, तो यही आईडी पासवर्ड आपके टूल में काम आएगा। जो यूजर नेम यहाँ पर होगा आपका, यही यूजर नेम से आप जो है हमारी वेबसाइट पर खरीद सकते हैं इसे, ठीक है। आप वहां से बाय कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं इस टूल को। तो 3 मंथ है, 1 ईयर है और आपका 6 मंथ है, ठीक है। चलिए हम आपको बताते हैं इस टूल के बारे में कि कैसे आपको इसका सेटअप डाउनलोड करना है। चलिए यहाँ से बैक किए, बैक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक डाउनलोड का ऑप्शन है। जैसे आप इस डाउनलोड पे क्लिक मारेंगे तो दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फिर एक डाउनलोड का ऑप्शन है, ठीक है, डाउनलोड नाउ पे क्लिक मारना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली ये सेटअप जो है आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। और इस सेटअप को मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है तो इसे मैं डाउनलोड नहीं करूंगा। चलिए मैं आपको बैक करके दिखाता हूं। उसके बाद पहले कुछ फीचर के बारे में बात करें, आप यहां पे देख सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है, स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे में तो यहां पे आप देख सकते हैं इसका फीचर क्या है। उसके बाद यहाँ पे आप एक देख सकते हैं कि सपोर्ट मॉडल का ऑप्शन है, ठीक है। सपोर्ट मॉडल पे जब क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सा मॉडल सपोर्ट है, कौन सा मॉडल सपोर्ट नहीं है। जैसे कि रेडमी नोट 5 है, रेडमी नोट 8 है, रेडमी नोट 7 है, ठीक है, कौन कौन से मॉडल है वो सारा यहाँ पे दिखा रहा है। ये सारी की सारी मॉडल जो है सपोर्ट है, ठीक है, और बिना क्रेडिट का अनलॉक होगा। उसके बाद इसकी वेबसाइट पर जो है वीडियो भी उपलब्ध है, आपको कैसे यूज करना है टूल को, कैसे अनलॉक करना है, उनके लिए भी इसकी वेबसाइट पर वीडियो है। आप वहां पे भी जो है देख सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगा यहां से। आप यहां पर सबसे ऊपर में देख रहे हैं यहां पे, ठीक है, यहां पे गाइड्स वीडियो का ऑप्शन है, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे आप तो कौन से मोबाइल को कैसे अनलॉक किया जाएगा, यहाँ पे सबका लिंक दिया हुआ है, ठीक है, और मॉडल नंबर लिखा हुआ है। जिस मॉडल को भी आपको देखना है कि कैसे अनलॉक किया जाएगा उस पर आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम इस मॉडल पर क्लिक करके आपको दिखाते हैं। हमने इस मॉडल पर क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है, प्ले मैंने कर दिया और यहाँ पे दिखा रहा है कि कैसे आपको अनलॉक करना है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अब आपको दिखाते हैं कैसे इस टूल को आपको इंस्टॉल करना है कंप्यूटर में और किस तरह से आप उसे लॉग इन करेंगे, ठीक है। चलिए बैक करते हैं यहां से। ये रहा सामने टूल, इसे मैंने डाउनलोड किया था पहले ही, ठीक है। तो चलिए इसे ओपन करेंगे और ओपन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको एंटीवायरस अपने कंप्यूटर में जो भी एंटीवायरस होगा उसे डिसेबल करना होगा। मेरा जो एंटीवायरस ऑलरेडी पहले से डिसेबल है, ठीक है, और इसे आप ओपन करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आएगा, ठीक है, क्योंकि सेटअप में वायरस होता है इस वजह से डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं होता है। यहाँ पे मोर इन्फो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमने रन पे क्लिक किया उसके बाद ऑटोमेटिकली जो टूल जो है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और ये लॉगिन आईडी पासवर्ड पूछेगा हमसे। आप देख सकते हैं ये टूल ओपन हो चुका है, यहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जो आईडी पासवर्ड, जो लॉगिन आईडी पासवर्ड हमने यहाँ पे वेबसाइट पे, इसकी वेबसाइट पे रजिस्टर किया था, वही यूजर नेम और पासवर्ड से हमें यहाँ पे लॉगिन करना है। और अगर आपको खरीदना है टूल को तो इसी यूजर नेम से, ठीक है, उसी यूजर नेम से आपको हमारी वेबसाइट पे खरीदना होगा। 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर का जो है इसका एक्टिवेट होता है, ठीक है।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप किसी काम आए, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।